बलरे सबाई राधा कृष्ण बोलो। देख लेंगे मेरे को भी नहीं। राधा कृष्ण बोलो बलरे सबाई राधा कृष्ण बोलो बलरे सिखा दिया सब न दिया फिर चले से गौर दिखाइए सिखा दिया सब न दिया फिर चले से हरि बोल बोल रे सिखा दिया हरि बोल बोल रे सिखा दिया सब न दिया फिर से गौर सिखा दिया राधा कृष्ण बोल रे सबाई राधा कृष्ण बोल रे सबाई। अब समझ में आ रही ये श्री भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं, कहते राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई, मतलब है जितने जीवों को महाप्रभु कहते सबके सब क्या करो राधा कृष्ण का नाम बोलो। बोले क्यों? क्योंकि हम जो जीव है हम कौन है? हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान के अंश है, भगवान के बेटे संतान है। लेकिन ये संसार में दुख का क्या कारण है? बोले सारे दुख का यही कारण है हमारी जो असली जो पिता भगवान है कृष्ण है हम लोग ने उसको भूल चुके हैं, इसलिए उनको भूलने का वजह से ही ये जितने सारे दुख कष्ट का कारण है हम चुके भगवान को भूल गए, इसलिए इस सारे दुख कष्ट का कारण है। कहते भैया सारे दुख कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? बोले तभी ये दुख जाएगा जब तुम भगवान की शरण जाओ, भगवान की भक्ति करो, हैं? तभी तुम्हारी जीवन का ये दुख कष्ट समाप्त हो सकता है, समझ रहे हो? इसलिए हम लोग जो जीव है, जीव कौन है? बोले अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृत के पुत्र है, हम साधारण घर के बच्चे नहीं है, हम लोग साधारण घर के कोई बच्चे नहीं, हम किसके बच्चे है? भगवान के बच्चे। भगवान कौन है? विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है। लेकिन अभी चुके ये संसार में क्यों आए? भगवान बोले हमारी भक्ति करो, भजन करो और तुम मेरे बेटे हो। लेकिन हमने क्या बोला? बोले तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, तुम्हारी भक्ति हम नहीं करेंगे, हम तो माया की सेवा करेंगे, हम माया की सेवा करेंगे। बोले माया की सेवा करके जाओ संसार में देख लो कैसे मजा है संसार में, हैं? जा करके संसार में देख लो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर ये सारे दुख कष्ट से अगर कोई निकलना चाहते हैं क्या करो? बोले राधे कृष्ण बोल 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 रे सबाई, सबके सब क्या करो? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए महाप्रभु पूरा नवद्वीप धाम में घर घर में जा करके अपना झोली पसार पसार करके कहते तो मेरे को भिक्षा दे दो। क्या भिक्षा? डॉलर ना दाल चावल सब्जी। बोले नहीं, एक भिक्षा दो, राधा कृष्ण बोल बोल, सबके सब श्री भगवान का नाम लो, भगवान की कीर्तन करो, क्योंकि हमारे पिता ठाकुर जी है, उनका नाम लेते सब उसको कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हैं? इसलिए बोल 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 रे सवाई। उसको बाद में क्या कहते हैं? जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तार दुख नहीं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तार दुख, हरि बोल बोल रे जीव कृष्ण दास, हरि बोल बोल रे जीव कृष्ण दास, जीव कृष्ण दास ए विश्वास
स्वीकार कर लेता तो कर्ण देव कृष्णा राधा कृष्ण बोल 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 रे सवा राधा कृष्ण बोल 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 रे सवा कृष्ण बोलवे जबे पुला कबे जरवे आखी बोली साई कृष्ण बोलवे जबे पुला कबे जरवे आखी हरि बोल भोला कृष्णा बोलवे जदि हरि बोल भोला कृष्णा बोलवे जदि कृष्णा बोलवे जदि पुलकारे जय राखी बोल साई कृष्ण बोलवे जदि यहाँ पर कहते हैं बोले कब तक ये संसार में ये दुख कष्ट कब तक भोग करोगे, भले तब तक ये दुख कष्ट भोग करोगे जब तक तुम भगवान की शरण में नहीं जाते, ठाकुर जी की शरण में नहीं जाते तब तक ये दुख कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। हैं? जैसे पिताजी की मानो अथा संपत्ति हो, पिताजी की अथा संपत्ति हो, लेकिन बेटा को बेटा का क्या करते हो, पिताजी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन बेटा ने कहा तुम्हारी कोई सेवा व्यवहार नहीं करेंगे, हम तुम्हारी कोई सेवा व्यवहार नहीं करेंगे, तब पिता क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा ना, बोले सारी संपत्ति तो मैंने तेरे लिए कमा करके रखा, अभी बात मत कर चुप कर। इसलिए पिताजी जो सारी संपत्ति वो किसके लिए कमाता है, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए कमा कर रखते हैं ना, भविष्य में मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं हो, इसलिए पिता बच्चे के लिए पैसा कमा कर रखता है। अगर कोई बच्चा ही बोले तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, पर पिताजी क्या कर रहे हैं, निकल जा घर से, मेरी कोई संपत्ति में तुम्हारे अधिकार नहीं, सारे संपत्ति एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके तेरे लिए मैंने रखा है, अरे बच्चे सुख में रहे कोई दुख नहीं हो, अब तू बच्चे मेरा सेवा नहीं करो, मेरी संपत्ति में तुम्हारे कोई अधिकार नहीं, फिर क्या बच्चा दल दल भटेगा, कहा अरब खरब पति के बच्चा, लेकिन पिताजी की बात नहीं सुनने का ना, तो क्या हो रहा है, दर दर भीख मांगेगा। लेकिन अगर बच्चा ये चीज को समझ जाए, नहीं मेरी गलती हो गई है, एक बार केवल पिताजी के चरण में आकर के बोले एक्सक्यूज मी, बस इतना बोल देगा, इतना अगर बोल देगा तो पिता क्या करेगा, गोद में भर लेगा, बोले बेटा मैं भी यही चाहता हूँ, एक एक पैसा तेरे लिए कमाया और तू मेरे बात नहीं सुनते, मैं इतना ही चाहता तू मेरे बात सुन और सारी संपत्ति का तू ही मालिक ही बन, बस हमको इतना ही बोलना एक्सक्यूज मी, इतना ही और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बात इतना बोल दिया तो पिता क्या करेगा, पिता का स्वभाव की स्नेह बच्चे में है, फिर पिता क्या करेगा, बच्चे को गोद में भर लेगा, भैया मैं यही चाहता था और सारे संपत्ति। इसलिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोलते कृष्ण बोलवे जबे पुलक अवे झरवे कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तार दुख बनाए, बोले कब तक ये दुख कष्ट है, तो बोले जब तक कृष्ण नहीं बोलते, जब पिताजी की शरण में नहीं जाते तब तक तुमको दुख कष्ट है, जब तुम पिताजी की शरण में आ जाओगे, पिताजी का सारी संपत्ति का मालिक है तुम, पिता कौन है हमारे, कृष्ण है, कृष्ण कौन है, कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वर्णम, कृष्ण कौन है, बोले जिनकी एक एक रोमावली में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान, जिनकी केवल एक इसरा हो जाए ना, कितने संसार में कितने सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती, केवल कृष्ण की एक इच्छा मात्र से, वो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है भगवान, इसलिए बोले कृष्ण बोलवे यदि कृष्ण दास ए विश्वास, जब हमारी ये विश्वास हो जाए हम कौन है, हम माया की दास नहीं, हम कृष्ण दास है, दास ए विश्वास कर ले तो आज दुख बनाए, फिर तो तुम्हारी कोई संसार में
कोई दुख कष्ट तुम्हारी नहीं है। इसलिए दूसरे लाइन में कहते हैं, बोले कृष्णा बोलवे जब ये पुलक हवे जरबे आधी बली है। जब कृष्णा बोलोगे क्या होगा, हमारे रोम रोम खिल उठेगा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाएगा, हृदय तुम्हारे प्रेम में गदगद हो जाएगा। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं तदस्म सारम हृदय बदेतम। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं अगर हम कृष्ण नाम लेते हैं लेकिन कृष्ण नाम लेकर के ना तुम्हारी हृदय गदगद नहीं होता, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं झरती, तुम्हारी है रोमांच रोमांच नहीं होते हैं, तुम्हारे रोमांच नहीं होता है, समझनी चाहिए हमारी बहुत अपराध है। अभी हमारी कृष्ण नाम सही नहीं हो रहा, कृष्ण जब नाम सही होगा ना बस। इस संसार में देखो अपना बच्चों को नाती पोती हैं, इनका गोद में लेते हमारे पुलकित हो जाते कि नहीं, इनकी बात सुनकर इनके नाम पर तो इनकी गोद में लेकर के तो हमारे पुलकित हो जाते हैं शरीर, लेकिन भगवान का नाम लेकर क्या होता है, क्या ठाकुर का नाम लेकर उसके लिए होता ही नहीं, कारण क्या है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते लगता है अभी हमारी पूर्व जन्म का कोई अपराध है, ये अपराध होने का नाते भगवान का नाम लेकर के हमारा हृदय हमारी पुलकित नहीं होता है। जब भगवान का नाम लेकर के हमारी शरीर पुलकित हो जाए, रोंगे के खड़े हो जाए, समझनी चाहिए हरि नाम अभी हमारे सही हो रहे हैं, हरि नाम सही हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण बोले में जब बोले राधा कृष्ण बोल 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 रे सवाई, राधा कृष्ण बोल 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 रे सवाई, कृष्ण बोलवे बोल कृष्ण बोल संगे चले मात्र चाय, कृष्ण बोला संगे चले मात्र चाय, राधा कृष्ण बोल 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 रे सवाई, राधा कृष्ण बोल बोल रे सवाई। अजय सकल विपद भक्ति विनोद बोल जखन, ओ नाम गाय सकल विपद भक्ति विनोद बोल जखन, ओ नाम हरि बोल बोल जावे सकल विपद, हरि बोल बोल जावे सकल विपद, जय सकल विपद भक्ति विनोद बोल जखन, ओ नाम गाय सकल विपद भक्ति विनोद बोल जखन, ओ नाम गाय राधा कृष्ण बोल बोल रे सवाई, राधा कृष्ण बोल ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण बोलवे कृष्ण बोलो संगे चला यही मात्र भिक्षा चाहे। महाप्रभु दरवाजा दरवाजा पर जाते हैं, सबसे भिक्षा मांगते सब सब मेरे को भिक्षा दो, बोले किस चीज की भिक्षा दो, क्या भिक्षा चाहते, बोले एक भिक्षा कृष्ण बोलो और संगे चलो, एक भिक्षा तो सबके सब भगवान के नाम है, भगवान की नाम लो और मेरे साथ में चलो, कहाँ चलो वृंदावन में चलो, कहाँ चलो वृंदावन में चलो मेरे साथ में, और कृष्ण बोलो और संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहिए, एक ही भिक्षा में एक ही भिक्षा दे दो है, और किस चीज की हम भिक्षा की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं ये भिक्षा देने से क्या होगा, बोले जाए सकल विपद भक्ति विनोद, जब हम एक ही भिक्षा दे देंगे मतलब भगवान का नाम लेंगे कीर्तन करेंगे भक्ति करेंगे, बोले जाए सकल विपद, क्या होगा जीवन का जितने विपद है ना सारे विपद हमारे खत्म हो जाए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन, संपूर्ण रूप में जब ठाकुर की शरण में जाएंगे क्या होगा,
तत् प्रसादात परम शांति, उसकी कृपा से हमें परम शांति की प्राप्ति है। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत स्थान जो भगवान का धाम है, भगवान का धाम को प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, जाए सकल विपद भक्ति विनोद बोलेन जखन वो नाम गाए। जब भगवान का नाम लेते हैं जीवन का सारे विपद हमारे दूर हो जाए। अपना विपद तो दूर होगा, दूसरे का विपद भी दूर कर सकते हैं। आप देखो हनुमान नाम सुने, हनुमान जी जानते हो सब। आप बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता कहते हैं ना। लेकिन हम कहते हैं महावीर जब नाम सुना वे भूत पिशाच निकट नहीं आए, बोलते ना। और हनुमान जी को पास में जाकर के रिद्धि सिद्धि सब सबके दाता हनुमान जी को सब प्रार्थना करते ना जाकर के, हनुमान जी हमें दुख दूर कर दो, हनुमान जी ये धन दौलत हमें दे दो, हमें ये बोलते ना सबके सब। हनुमान जी क्या हनुमान कोई फैक्ट्री खोल कर रखे? नहीं, हनुमान का कोई फैक्ट्री बना कर रखे जो तुमको ये दे देंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी किसके बल पर सारा दुनिया को ये वस्तु देते हैं? केवल राम नाम के बल पर और कुछ नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते सुमेरी पवन सुत पावन नाम आप न बस करे राख राम। केवल एक ही है सुमेरी पवन सुत पावन नाम, केवल ये भगवान की पवित्र नाम को जब करते हैं, ये नाम जब प्रभाव से भगवान को वशीभूत करते हैं, रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्रदान करते हैं, किसे भगवान के नाम की प्रभाव से है। शंकर जी कहते हमारे भारत में सब बम बम बोल कर शंकर जी की है, जाकर के एक चौपट दबाएंगे, बोले भोले बाबा हमें ये दे दो, भोले बाबा ये करते। भाई शंकर जी कोई फैक्ट्री बना कर रखे है, किसकी प्रभाव से देते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। हमारे भारत में काशी में अंतिम सर करवट लेने जाते, करवट जानती हो, अंतिम जो श्वास है जो मरने जाते हैं सबके सब काशी। बोले क्यों? बोले काशी में जो मरने जाते हैं ना, अंतिम समय में कोई भी काशी में जाएगा, शंकर जी अंतिम समय में सबको कानों में भगवान का नाम को सुना देते हैं। और मरने जा मति सा गति, मरते समय जो मति हुई गति है, केवल प्रभु का नाम के बल पर सबको उन्होंने मुक्ति प्रदान करी है। इसलिए समझो ये सारा दुनिया जो चल रहा है ना, ये भगवान के नाम के प्रभाव से चलता है और कुछ नहीं। जगत भी नाम से चलता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लो बड़े से बड़े काम हो जाएंगे हैं। जगत में सारा दुनिया सब नाम में चलते हैं। जब जगत का साधारण प्राइम मिनिस्टर का नाम है और मुख्यमंत्री का नाम में इतनी शक्ति है, फिर भगवान का नाम में शक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्या बोलो? बोले राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र एक विख्या दो भगवान के नाम को जब करो। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक भजन गा लेते हैं, कथा सुनिए, ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बाल जय गिरी, 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 जय
ज्ञानांजन कलाकया
चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा, थोड़ी सी बड़ा, इसका थोड़ी सी बढ़ा सकते। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रजले सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त कवि सब पर हाथ उठाकर बोले Maharaj was explaining how once Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he went to a house of a scholar, a professor, and he asked him, if there is a big flood and we lose all the scriptures, what is one scripture that if we keep, we will not lose anything? At that time, the scholar initially mentioned Bhagavad Gita. Then Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada said, no, there's something else, go further. Then the scholar, he mentioned Srimad Bhagavatam. Then Prabhupada said, okay, this is okay, please go forward. Then he was astonished because Srimad Bhagavatam was the last scripture written by Vedvyas. And it says in the script, in the introduction to Bhagavatam, it says that in his maturity, Vedvyas, he wrote this scripture and he felt complete happiness and peace. So what is greater than this? Who is, you know? Then Prabhupada said, no, Chaitanya Charitamrita. He said, if this scripture is there, then even if everything else is lost, this is not lost. Why? Because the essence of Srimad Bhagavatam has been explained in Chaitanya Charitamrita. And one of the pran, there's five special chapters of topics in Chaitanya Charitamrita. One of them is Sri Rup Shiksha, which has been spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Who is he? He is the Supreme Personality of Godhead. And Sri Krishna, and coming the mood and complexion and mood of Radharani to taste her moods. Because Maharaj explained in the last few days how beautiful Krishna is, to taste the sweetness, his beauty. Radharani came, Mahaprabhu
Sri Krishna in the form of Mahaprabhu came to taste this and to Ragma Prachare no. Premras Nidya Spurisya Aswadam Ragma Vati Koriti Prachara Rasika Sekra Krishna Paramakurum. That he came to taste the special mood, the sweetness and mood the Radharani is tasting, and to give this Ragma Bhakti to the world. So he came with a special mission, and one of his people he chose was Sri Rupa Goswami, who is known as Sri Chaitanya Manobhistam, who fulfilled the innermost desires of Chaitanya Mahaprabhu. So he's, for 10 days, Chaitanya Mahaprabhu, he spoke this Rupa Siksha to Rupa Goswami. This instruction, set of instructions to Rupa Goswami. And Maharaj is saying, he said last night, how when Mahaprabhu, he said, this Bhakti Ras is a big ocean that has no bottom and it's no length. It's completely limitless. And I'm giving only one drop of this Bhakti Ras, Bindu. And Rupa Goswami, he took that bhakti, one drop, and he completely flooded the whole world. He wrote Bhakti Rasamit Sindhu, Ujjala Nirmi, such high grants. Srila Gurudev used to say that before Mahaprabhu came, everyone knew what bhakti was, but no one knew what bhakti ras. So Sri Rupa Goswami explained what, through the instructions to the teachings of Mahaprabhu, through the inspiration and blessings of Mahaprabhu, Rupa Goswami, he explained what is bhakti ras. And slowly Maharaj, if you have time, Maharaj will explain. So Maharaj, so Chaitanya Mahaprabhu started explaining about bhakti and the process. He'll be explaining about the process of bhakti. So Maharaj so far has explained how this human birth is so rare. We cannot imagine that it, out of 8.4 million species, the human birth is only 400,000 species, of which most of them, first we have the most uncultured, that even we know, we see sometimes in news how there's still some cultures that has not been introduced to this world, that are still, you know, roaming around naked. They have no, you know, they have no conception of culture or anything like that. They live in the tribes. We call it Adivasis or Aborigines in that one sense. And then as you go above that, is that you have human beings that they have some, actually they have no knowledge, they are, you could say culture, but they have no conception of spirituality. And then slowly you have people who have some idea of spirituality, but they have no, they don't follow any rules of the scriptures. Then slowly you have people, then different people who will follow some aspects of scriptures, like they'll follow karma. Yeah, karma to get, they follow the scriptures to fulfill their desires. And slowly as we go forward, then above that is those who will follow karma, but they will give the results to the Lord. And above that is jnanis, who will, they have realized that this world is a place full of miseries. So they don't want anything to do with these bodies. And as long as we have these bodies, we will be miserable. So they want to get rid of their body. They have no idea that one has a spiritual body. So all they know is, as long as we have this material body, we will suffer. So they want to remove this conception of having this material body. So they are aiming for that. They are doing the activities with having no material desires, but they are having the desire that I will merge into the Lord. And then Maharaj is explaining this morning how out of millions of people, hundreds and millions of people who aspire for this, very few, there will be one that who will desire to become a devotee of Narayan. And then millions of devotees of Narayan, one will desire to be a devotee of Ram and then Krishna like this. Then Maharaj is saying, so therefore, then Maharaj uses the famous word that Bhaktisiddhanta Prabhupada always used to quote. He said, Brahmana Brahmite Kon Bhagivan Jeev Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Data Bhiv. It is therefore very fortunate. Fortunate means in some life we must have done some shukriti, that somehow we got this human birth. And Maharaj is explaining again. But we should not think, like Lord Ramchandra saying, that
it is not possible, even in all the activities we do, like that is not possible to get this human birth. It is special mercy of the Lord that one gets this human birth, and then he, in his mercy that we have, then by the some supriti we can get some association of sadhus, and then bhakti lata api, and by the mercy of Krishna and Sadguru, one gets this bhakti lata, like he gives this the seed of devotion, like a seed, the faith that we have. And Maharaj stressed that, how Gurudev used to stress that all of us at the time of when we were formed, at the time of in the early whatever millions and millions of years or whatever we, however time you want to say, when we were, all the jivas were created, everyone has a fixed sarup, that they, the way they will, what rust they will serve the Lord, whether they serve Narayan, Ram, Chandra, or Krishna, and then Dasya Ras, Sakya Ras. So everyone has got their sarup that is fixed in everyone's nature, sarup, not in the soul, and slowly, so that is fixed. But in a, because of our karma, because of our previous life, we have no idea what that is. So the sadhu comes, and then he awakens that to bhakti lata, and then by shavan and kirtan, slowly we can develop this seed of bhakti. So Maharaj very quickly this morning he just mentioned that, and how will through, as when we do sadhan properly, then two leaves will come. One is klesha agni and subhuta, that all auspiciousness will come in our life, and klesha agni means all distress will go away, and slowly under the guidance of Guru and Vaishnava, as you practice bhakti, will slowly progress. So Maharaj will explain what the different stages of bhakti is. One chapter of the Rupa is 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 Hare Krishna, Hare Bol. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarvapratham, Mar Guru Pad Padma. Nitalila Pravishnam Vishnu Pada Ashtodara Sadasri Sri Sri Mata Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Ke Charano Kamala Mesh Ananda Kuti Sashtanga Dandavat Pranam Karta Tat Paskat Mere Sikhya Guru Pada Padma Nitalila Pravishnam Vishnu Pada Ashtodara Sadasri Sri Sri Mata Bhakti Vedanta Sri La Narayan Goswami Maharaj Bhakti Vedanta Sri La Swami Maharaj Sri La Gauru Govinda Maharaj Sri La Bhakti भारती महाराज अन्य अन्य समस्त वैष्णवियों के जथाजी को प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग सवेरे श्रवण कर रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को क्या बोले ब्रह्मांड भ्रमित है। दीदी कैन सी हियर, सी कैन डू ट्रांसलेशन। पीछे जो माता है No problem. Hare Krishna. Ananya. Samasta Vaishnava Vaishnaviyon ko Jathaji ko pranam karta hu. Hare Krishna. Hum log sabare sravan kar rahe the Chaitanya Mahaprabhu kaise Rupa Goswami ko kehte hain kisi saubhagyavan vyakti ko jivan mein sant darshan hota hai, Vaishnava darshan hota hai. Jab kisi vyakti ko वैष्णव दर्शन हो जाए क्या समझनी चाहिए, और भगवत प्राप्ति में कोई देर है ही नहीं। अगर अभी तक अगर किसको भगवत प्राप्ति हुई है, जब तक किसी वैष्णव का कृपा नहीं हुई, किसी गुरु जी का कृपा नहीं हुई ना, अभी तक किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए एकादश स्कंध में बताए जितने छोटे से छोटे जाति, जैसे श्री सबरी, इसको भगवान कैसे मिले, मातंग ऋषि की कृपा से मिले, मातंग ऋषि की कृपा से मिले। ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति कैसे हुई, नारद जी की कृपा से मिले। व्यास देव वाल्मीकि को कैसे भगवत प्राप्ति हुई,
श्री नारद जी की कृपा से हुई है। अगर किसी भी भक्तों की अगर किसी भक्तों का चरित्र तो हम लोगे सबसे पहले देखोगे जब तक तो किसी वैष्णव का कृपा नहीं हुई भक्तों का कृपा नहीं हुई अब तक भगवत प्राप्ति का जीवन में हुई नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृति के फल से ही जीवन में ये संत दर्शन वैष्णव दर्शन तभी होती है। और वैष्णव दर्शन होने पर क्या करते हैं वैष्णव जो हमें कृपा करके जो मंत्र प्रदान करते हैं जैसे कृष्ण मंत्र काम गायत्री और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो मंत्र दिए हैं ये क्या है कहते ये बीज हमें प्राप्त हुआ है ये बीज है। हम सवेरे श्रवण कर रहे थे क्यों अपने आप तो शास्त्र पढ़ सकते हैं अपने आप शास्त्र में तो महामंत्र लिखा हुआ है शास्त्र में सारे मंत्र लिखा हुआ मंत्र को लेकर रट लो हो जाएगा कहते नहीं नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसलिए जीव गोस्वामी उदाहरण दिया आप बता सकते हो जीव गोस्वामी ने क्या उदाहरण दिया प्रभु जी आप बताओ जीव गोस्वामी ने क्या उदाहरण दिया था ये क्यों हम गुरु जी से क्यों मंत्र लेते हैं याद होगा ना थोड़ी बहुत कौन बोलेगा बोलो हाँ सब चीजों को याद रखनी चाहिए याद रखोगे तभी तो आप दूसरे को सुनाओगे ना ठीक है ना इसलिए बोले श्रोता श्रोता और सरोता इसलिए बोले तीन तरह के श्रोता है ये एक होता है श्रोता श्रोता मतलब क्या है कथा में अग्रसर हो जाए एक होता है सरोता सरोता मतलब जिसको कथा में कोई मतलब नहीं है दोष देखने आते हैं तीसरा है श्रोता इसलिए जो श्रोता चार तरह के कितने तरह के अच्छे श्रोता चार तरह के क्या क्या बोलो पहला नंबर हंस जैसे हंस को आप दूध दे दो हंस में एक विशेष गुण है वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा इसलिए हमें कैसे सुननी चाहिए असार चीज को छोड़ करके सार को ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा नंबर श्रोता है मधुमक्खी एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी मधुमक्खी कहाँ बैठता है फूलों के ऊपर में अगर कांटा के वृक्ष में क्यों फूल नहीं हो देखना वहां भी बैठी करके वो शहद को ले लेगा बड़ी सुंदर एक छता बना देगा हैं और जिससे ठाकुर का सेवा होता है ठाकुर जी की सेवा होती है लेकिन मक्खी कहाँ पर बैठेगा कहाँ पर सारी गंदी चीज में चारों तरफ में फूल फूल खिला हुआ एक मक्खी जाए एक जगह पर थोड़ी सी गंदगी लेकिन चार चार तरफ में फूल फूल बताओ मक्खी कहाँ पर बैठेगा गंदगी में चारी चार तरफ गंदगी है लेकिन वहां पर एक ही फूल है बताओ मधुमक्खी कहाँ बैठेगा फूल में बैठेगा। इसलिए हमें मक्खी नहीं होनी चाहिए हमें मधुमक्खी होनी चाहिए है? हमें सार सार को ग्रहण करनी चाहिए। तीसरा नंबर है चातक चातक एक चिड़िया है वो किसी नदी का पानी कभी नहीं पिएगा किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा वो पिएगा स्वाधीन नक्षत्र का पानी जब बरसात होती है ना इसलिए वो चिड़िया को आप देखना हर समय बोलता है प्यासाम प्यासाम चित्कार करते रहता है हैं वो पिएगा तो स्वाधीन नक्षत्र का पानी तालाब और किसी नदी का पानी नहीं पिएगा मतलब क्या है कथा सुनेंगे तो कृष्ण की ही कथा सुनेंगे ठाकुर जी की कथा सुनेंगे ऐसे नहीं किसकी चुगली निंदा हो रही है दुनियादारी की बात बैठ करके बिना कारण के सुन रहे हैं नहीं सुनेंगे तो ठाकुर की नाम ही सुनेंगे ठाकुर की कथा ही सुनेंगे। इस वक्त चातक है कितना तरह का हो गया चार पंचवा होता है मछली मछली देखे हो अब देखना मछली का जो आंखों का जो पलक है ना कभी झपते हुए नहीं देखो उसका आंख का पलक खुला हुआ देखो मतलब क्या कथा कैसे सुननी चाहिए आंख बंद करके नहीं आंख खोल करके मतलब क्या है कहते जो कथा की कोई भी एक अक्षर हमारी चूक नहीं जाए कोई अक्षर हमारी चूक नहीं जाए कथा की सारे रस को पान करते रहे इसलिए कहते मछली। और पंचवा नंबर है तोता आप देखना तोते में एक विशेष गुण है कि जो तोता है ना किसी कच्चे फल में कभी चोंच नहीं मारेगा उसको पता है कौन फल मीठा और कौन फल खट्टा बा कच्चा उसको पता है वो चोंच मारेगा तो वो मीठा फल में ही चोंच मारेगा वो खट्टा फल में चोंच नहीं मारेगा मतलब क्या है मुंह जहां तहां नहीं मारनी चाहिए मुंह कहां मारनी चाहिए
जहाँ भगवान की कथा हो, भगवान के नाम हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान की भजन हो, मोह वहीं पर मारनी चाहिए। मोह जहाँ था मैं नहीं मारनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अच्छे तरह से सुनो, क्योंकि हम देखो महाप्रभु की यही इच्छा है एक दिन संपूर्ण विश्व कृष्ण भक्तिमय हो जाए, संपूर्ण विश्व भगवान घर घर में हरि कीर्तन, घर घर में प्रभु की नाम कीर्तन हो, एक तो महाप्रभु का इच्छा पूरी कैसे होगा जब हम सबके सब कोशिश करें, सब कोशिश करें, ठीक है ना। मैं जब अगली बार आऊंगा, गुरुदेव हर समय कहते थे जब परिक्रमा में आओ कम से कम 10 व्यक्तियों को लेकर के आओ, गुरुदेव कहते थे है हर समय में 10 व्यक्ति को कब लाएंगे जब कथा सुना। कथा सुनाने पर पहला लाभ कथा सुनने वाला नहीं, पहला लाभ कथा सुनाने वाला। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सुनने वालों को जो लाभ है, सुनाने वालों को डबल लाभ, सुनाने वालों को डबल लाभ है। और गोपियां क्या कहती हैं, बोले तब कथा मृतम साप्त जी हे बनाम कभी भी रीताम काल मसापम श्रावण मंगलम श्रीमदा आततम भोभी गृणम तीर्थे भोलाजना। इसलिए कथ जगत में सबसे बड़े दानी कौन है, बोले जो कृष्ण कथा को जो दान करते हैं। इसलिए कृष्ण कथा की यहाँ पर गोपियां कहती हैं 7 लाभ है कृष्ण कथा में, भगवत कथा में 7 लाभ कृष्ण कथा में। तो उन्होंने एक एक उन्होंने क्या लाभ है कृष्ण कथा में, उन्होंने एक एक उन्हें लाभ को बताते हैं। कथा सुनने से क्या हुआ, बोले कथा नहीं ये कथा अमृतम, जिसको सुनने से जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। दूसरा लाभ है समस्त दुख कष्ट को दूर होने वाले। तीसरा लाभ है सारे अमंगल को दूर करने वाले। चौथा लाभ है श्री संपत्ति सौंदर्य को देने वाले। पंचवा लाभ है आसक्ति को खत्म करने वाले। जो सप्तम लाभ है, जगत में सबसे बड़े दानी है जो कृष्ण कथा को दान करते, कृष्ण कथा को जो दान करते, ठीक है ना। मैं जो अगली बार आऊंगा कम से कम, गुरुदेव कहते थे मेरे जो गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव एक व्यक्ति को सन्यासी दिया, लेकिन इतना लेखा पढ़ा नहीं था, वो दुकान दुकान में भिक्षा करने जाता था, लेकिन वो भिक्षा की बहाना में वो सबको कथा सुनाते, कथा सुना करके कुछ बच्चों को उन्होंने भक्ति में मंदिर में लाए। गुरुदेव कहते थे इतना लेखा पढ़ा नहीं थे, लेकिन मीठी मीठी कथा सुनाते थे। गुरुदेव कहते थे और गुरुदेव उनको संन्यास दिया, देख करके बोले देखो हम तो ठाकुर जी के चरण में जैसे ये फूल है तोड़ करके लाए ठाकुर के चरण में हम देते हैं, ये जो खिला हुआ कितना 2-3-4 दिन बाद में सूखना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा, सूख जाएगा है। लेकिन गुरुदेव कहते थे इसने ऐसे फूल चढ़ाया ठाकुर के चरण में जो जीवंत फूल है, जो फूल कभी सूखने वाले नहीं, जो फूल दिन प्रतिदिन खिलने वाले फूल है। क्योंकि उन्होंने एक एक व्यक्ति को ला करके उन्होंने ठाकुर जी के चरण में अर्पण किया, ठाकुर जी को चरण में चढ़ाया, इसलिए गुरुदेव बड़ी प्रसन्न हुई उसको, ठीक है ना। अगली बार जब आऊंगा कम से कम देखूंगा 2-3 व्यक्ति को आपने भक्त बनाया। देखो अगर कोशिश करोगे ना बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं। आस पास में हमारे जो यार दोस्त होंगे जो कथा सुनते हो, सुन नोट करो सारी कथा, चुपचाप मत बैठा करो, सारी कथा का नोट करो है, नोट करोगे तब तो किसको सुना सकते हो ना, क्या सुनाओगे, कुछ दिल में होगा तब तो सुनाओगे, ऐसे सुनाओगे कहाँ से, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं, मुझे अगली बार आऊंगा कम से कम 2-3 व्यक्ति को हम देखेंगे, तब तो भक्त लोग बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे कहाँ से। आप कभी वृंदावन में, आप कभी इंडिया आओ, मैं वहां भागवत कथा करता हूँ, कभी आकर देखना, कभी अगर सौभाग्य होगा आकर देखना। जब मैं कथा करता हूँ इतने लोग आते, 300-400-5000 लोग तक आते, और मैं किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा करके किसी तरह से उनको भगवान के भजन में लगाने का, कितने लोगों को माला देता हूँ हरि नाम करने के लिए है, कितने लोगों को उत्साहित करके प्रेरणा करते हुए सारे एनर्जी लगा देता हूँ किसी तरह से इनको प्रभु की भजन में लगा। इसलिए कथा में कभी रथ यात्रा भी हम करते हैं,
कभी आकर देखना कितना लोग होते हैं और कितना कुछ बदल गया। ठीक है, हाँ, पूरा ऑस्ट्रेलिया सब भक्त हो जानी चाहिए, ब्रिजबेन ब्रजवान हो जानी चाहिए, जो ब्रिजबेन है ना ब्रजवान हो जानी चाहिए। ठीक है ना, हाँ, कोशिश करो, अगर कोशिश नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा, है, कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और भगवान कहते जगत में सबसे बड़ा दानी जो कृष्ण कथा को दान करते हैं, भगवान गीता में कहते हैं मैं सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता हूँ, किसको प्रेम करता हूँ भगवान, कहते ये जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे को भूल भूल करके ये माया में पड़े हुए सबके सब, जो इनको भूले भटकते हुए जीव को अगर ढूंढ करके मेरे पास में ले आए ना, सबसे ज्यादा मैं उसे प्रेम करता हूँ, उसको मैं प्रेम करता हूँ, समझ रहे हो। इसलिए क्या करना, पूरा सारे एनर्जी एक चीज में लगानी है, कहाँ पर, प्रचार में, प्रचार करोगे और एक चीज देख लेना, जो जितने भगवान की कथा प्रचार करता है ना, आप एक चीज देख लेना, उसकी भक्ति उतना ही बढ़ती है। आप प्रचार नहीं करोगे ना तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, देख लेना, बढ़ेगी नहीं, क्यों, कथा नहीं सुनाते हो। जब किसको बोलोगे तुम तिलक करो, गले में कंठी जप करो, पहले तुमको करना पड़ेगा ना, पहले तुमको करना पड़ेगा, तुम तो दूसरों को बोल सकते हो। एक व्यक्ति को तिलक करो, गला में कंठी पहने, पहले तो खुद तो अपनी आप कथा तुम्हें बाधा देगी, है, दूसरों को बोले माला करो, खुद बाधा देगी, मैं कितना करती हूँ, बाधा देगी तो फिर जाकर करोगे नहीं तो करोगे नहीं, फिर वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्या करना, अगली बार देखूंगा कुछ कुछ फूल ला करके ठाकुर के चरण में दिए गए, ये जीवन तो पुष्प दे करती है। ठीक है, पिताई गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल। इसलिए हम क्या सुन रहे थे, इसलिए महाप्रभु कहते हैं किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में वैष्णव दर्शन मिलता है। हाँ, हम ये प्रश्न कर रहे थे आपको, क्यों हम शास्त्र क्यों डायरेक्ट पढ़ करके, डायरेक्ट क्यों शास्त्र से मंत्र नहीं लेनी चाहिए, क्यों हम वैष्णव से मंत्र लेनी चाहिए, कारण क्या बताओ, किसको याद, कौन बोलेगा, पूछो हमको, कौन बोल सकता है बताओ। श्री जीव गोस्वामी ने क्या उदाहरण दिया था, प्रभु जी बताओ। जीव गोस्वामी ने क्या उदाहरण दिया था, बोलो जीव गोस्वामी ने। देखो यही चीज है, जब ये कथा को हम बारंबार बोलते हैं ना, किस चीज को जब बारंबार किस चीज को बोलते हैं ना, तो फिर वो दिल में बैठ जाती है, समझ रहे हो। हाँ, जीव गोस्वामी ने क्या उदाहरण दिया था, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ है, कभी भी आप देखोगे नहीं उसी पेड़ को नीचे, कभी भी वो पीपल पेड़ नहीं देखोगे, बरगद का पेड़ कभी उसको नीचे नहीं देखोगे, किसी छत के ऊपर भी देखोगे नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, हैं? बोले ऐसे क्यों, बोले जब उसको कोई चिड़िया खाता है, जो बीज किसी चिड़िया के पेट में जाए, जो उसका पेट में ऐसे कुछ रस है, वो रस से वो जो युक्त होता है ना, फिर जा करके वो वृक्ष बनता है। वृक्ष होने के लिए तीन चीज चाहिए, मिट्टी, वायु और पानी, लेकिन देखना छत के ऊपर कोई मिट्टी मिट्टी कुछ है नहीं, वहां पे पानी पानी कुछ नहीं, देखना ऐसे पीपल पेड़ होता है, पेड़ एकदम पूरा है सीमेंट का, सीमेंट को फाड़ देता है, देख लो फाड़ देता है, इतने जोर जबरदस्त वृक्ष। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जब हम भक्तों की संग से साधु संग करते हैं, साधु संग की इतने प्रभाव, भगवान कहते हैं बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृति कर्ण रसायन कथा ताजो सना आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमी सती। भगवान कपिल देव माँ को कह रहे, बोले माँ अगर तुम मेरे को पाना चाहते हो, सबसे सर्वोपाय मेरे भक्तों का संग करो, सतांग प्रसंगार, अगर साधु का प्रसंग में, केवल संग नहीं प्रसंग मतलब क्या है, कथा अगर सचमुच से सुनेंगे जीवन में, अगर उसको उतारेंगे तो क्या होगा, बड़े बलवान कथा, ये कथा बड़े बलवान ताकतवान है, मम वीर्य संविदो भवति हृति कर्ण रसायन कथा, कथा कैसे हृदय और कान को ये रस देने वाले मार्ग था, अगर ये कथा सुनेगा तो क्या होगा, कथा सुनते सुनते पहले श्रद्धा, उसको बाद में
भगवान के प्रति रति भरे कथा में प्रेम को प्रदान करेगा कथा। और उसको क्या अपवर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब प भ और म है, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेण झाड़, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। अगर माँ कथा सुनोगे तो ये सारे वस्तु तुम्हारी खत्म हो जाएगी, जन्म मृत्यु दुख कष्ट सब तुम्हारी खत्म कैसे होगी, साधु की कृपा से ही होगी, कथा की प्रभाव से, ठीक है। इसलिए महाप्रभु कहते गुरुदेव जो मंत्र दिया हमारे हृदय में उनने बीज दिया है, तब गुरुदेव तो हमें मंत्र बीज दिया, वो बीज कैसे हैं, कहते ज्ञान कर्म योग नहीं, वो भक्ति रूपी बीज है, वो बीज साधारण बीज नहीं, वो बीज भक्ति रूपी बीज गुरुदेव हृदय में बपन किया। जब बपन किया अभी हम हो गए माली, जब माली हो गए फिर क्या करना पड़ेगा, कहते उस तो पेड़ में जैसे पेड़ अपना बाग में तो पेड़ है कि नहीं, पेड़ पानी देते कि नहीं, अगर गमले में कोई अगर वृक्ष है उसे पानी देना पड़ता है, पानी दोगे तब तो धीरे 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 वृक्ष बढ़ेगा ना, अगर पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा दूसरी बार। कहते वो पानी किया है, तब महाप्रभु कहते हैं है माली भैया सही करे सही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे सचल। वो जो पानी है ये श्रवण और कीर्तन ये दो चीजें पानी है, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो कीर्तन कर रहे हो है, रोज ठाकुर का आरती उतारते हो, ठाकुर की भजन करते हो, तुलसी परिक्रमा करते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं, हैं ये क्या है, ये पानी का काम करता है, ये पानी का काम करता है। अगर पानी दोगे तो क्या होगा, फिर धीरे 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 पहले एक अंकुर आएगा, फिर उसमें दो पत्ता आएगा, फिर धीरे 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 वो लता बढ़ती जाएगी, वो लता धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। इसलिए सवेरे हम श्रवण कर रहे थे पानी कैसे पानी होनी चाहिए, मीठा पानी, खारी पानी नहीं होनी चाहिए, खारी पानी दोगे तो फिर वृक्ष मर जाएगी, अगर मीठा पानी दोगे तो फिर वृक्ष तुम्हारी पनपना तो भी अच्छी तरह से बढ़ेगी है। कहते खारी पानी मीठा पानी मतलब क्या, बोले मतलब है अगर हम किसी कर्मी ज्ञानी योगी भोगी अगर इनके संग करेंगे, इनके साथ में बैठोगे, फिर जो भक्ति लता है ना प्रभु का प्रति जो प्रेम भावना ये बढ़ेगी नहीं, तुम्हारी घटेगी, ये भक्ति घटेगी। इसलिए कैसे संग करनी चाहिए, कहती जो बोले स्वजातीय आश्रय सिद्ध साधु संग सतवै, रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे तैसे संग से भक्ति नहीं बढ़ेगी, कैसे बोले स्वजातीय आश्रय सिद्ध, ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे समझो हम लोग किसको भक्ति करते हैं, हमारे आराध्य देव कौन है, राधा कृष्ण महाप्रभु, राधा कृष्ण और महाप्रभु, अगर हम भक्ति कर रहे हैं राधा कृष्ण महाप्रभु की, लेकिन अगर संग करके जो नारायण की भक्ति करने वाले राम की भक्ति करने वाले ऐसे व्यक्ति कथा सुन के संग करे, तुम्हारी जो भक्ति है ना घटेगी तो नहीं लेकिन भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है राग भक्तम चंद्रिका, बड़ी अनूठा ग्रंथ है, उसको कहीं पढ़ना, ठीक है। उसमें उन्होंने भक्ति जगत के लिए बताया पांच चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा, पांच चीज ध्यान देना पड़ेगा तभी तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी नहीं है, भक्ति वही रह जाएगी। कहते भावानुकूल है, कहते हैं कहते भावानुकूल, भाव विरोध, भाव अविरोध है, भाव सामान्य, ऐसे उन्होंने पांच चीज उन्होंने बताया है। अगर ये पांच चीज को अगर ध्यान देते हुए अगर हम भक्ति करेंगे अरे जल्दी 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 तुम्हारी बताइए धीरे 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 बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना। इसलिए कहते भावानुकूल मतलब क्या है, कि जिस जिसको जैसे कोई सीए कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, जो सीए कर रहा है अगर जो सीए करता है जो बच्चा के पास जो टीचर है तो उसको पास में जाएगा तो फिर तो सीए को विषय में बता सकता है, लेकिन कर रहे तो सीए के डॉक्टर को पास में चला गया पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ा सकता है, वो पढ़ा नहीं सकता, तुम कर रहे हो सीए कल तुम गया डॉक्टर के पास में वो नहीं होगा, फिर जो सीए में एक्सपर्ट है उसको पास में जाना पड़ेगा तब तुम सीए वो तुमको करवा सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम कर रहे हैं किसको, राधा कृष्ण की भक्ति, जब कर रहे हैं हमें संग कैसे करना पड़ेगा, जो राधा कृष्ण को भक्ति करने वाले हैं तब ऐसे संग करना पड़ेगा, भक्ति फिर क्या होगा धीरे 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 भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं
बोले देखो कथा मुक्ति व्याघ्रा कील सर्वात्मक मुक्ति की बात नहीं सुनना, ज्ञान होगा संग नहीं करना, फिर क्या होगा? वो जैसे के जैसे व्याघ्र जैसे निगल लेता है ना, वो ऐसे ही तुमको निगल जाएगी। वैकुंठ रतिपति रतिपति व्यम नहीं, लक्ष्मी नारायण की अगर उनकी कथा सुनोगे फिर तुमको कहाँ खेच कर ले जाएगी, वो वैकुंठ ले जाएगी, तुम वृंदावन जाने नहीं देगा, वृंदावन नहीं जा सकते, फिर तुम कहाँ लक्ष्मी धाम में चले जाओगे, वैकुंठ चले जाओगे तुम्हारा, फिर तुमको वृंदावन धाम नहीं मिलेगा। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 भक्ति तुम्हारी आगे बढ़ती जाएगी, नहीं तो भक्ति तुम्हारी वहीं रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या करें, श्रवण कीर्तन जले करे सचन। इसलिए गुरुदेव वहां पर उदाहरण देकर कहते हैं मीठा पानी देना मतलब है जो महाप्रभु का जो भक्त लोग है, राधा कृष्ण की जो भक्ति करने वाले महाप्रभु का अनुगत्य में ऐसे भक्तों का संग करेंगे, फिर क्या होगी हमारी भक्ति आगे धीरे धीरे भक्ति हमारी धीरे धीरे भक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, भक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। फिर उसको बाद में क्या होगा, मतलब उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्म लोक भेदी परम भवन पाए। देखो यहाँ पर जो कथा कह रहे हैं ना, साक्षात भगवान कह रहे हैं, रूप शिक्षा इतने महत्वपूर्ण शिक्षा है। मेरे जो गुरुदेव है, मेरे गुरुदेव का 31 उपदेश है, गुरुदेव हमारे गुरुदेव ने 31 उपदेश छोड़ कर गए, और जो 31 जो उपदेश है ना वो सबके सब ये रूपों को शिक्षा की आधार है, क्योंकि श्री महाप्रभु एक साधारण व्यक्ति धीरे 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 भक्ति में कैसे बढ़ेगा, कैसे उसको भक्ति बढ़नी चाहिए। यहाँ पर क्लास में जैसे ए बी सी डी सीखते है ना, वो ए से जैसे छोटा बच्चा धीरे 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 बढ़ता है, यहाँ पर महाप्रभु एकदम डिटेल से रूप में ये बात को बताए, एक जीव कैसे भक्ति जगत में धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, सारी बात यहाँ पर पुंखानुपुंख रूप में बताए। और प्रभुपाद इसको ऊपर में बड़ी सुंदर उन्होंने टीका लिखते हैं, प्रभुपाद टीका लिखते हैं, यहाँ पर कहते हैं अभी लता बड़ी, भक्ति रूपी लता बड़ी, लता जब बढ़ती है कहते पहले क्या जाएगा, बोला ब्रह्मांड को भेद करेगा, कहाँ भेद करेगा ब्रह्मांड को, कौन सा ब्रह्मांड, भूल भूप मोह जन तप सत्य ये ब्रह्मांड है, इसलिए पहले ये लता बढ़ते बढ़ती ये ब्रह्मांड भेद करेगा। बोले भैया ब्रह्मांड भेद करना मतलब क्या होता है, कहते इसको मतलब क्या कहते हैं, बोले मतलब होता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की साधन भजन करते हैं, फिर क्या होगा धीरे धीरे हमारी जो भावना है हमारी जो भावना धीरे 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 भावना बढ़ती है, ये भावना बढ़ते 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 कहते ये ब्रह्मांड भेद जाना मतलब क्या होता है। बोले कारण है हम जो भक्ति कर रहे हैं राधा कृष्ण की प्रेम में भक्ति कर रहे हैं, इसलिए लता आप लोग पेड़ लगाया होगा, अभी ऐसे पेड़ लगाया जो लता बनती है, जो लता बनती है, अब देखना जो पेड़ लगाओगे उसमें कोई एक सहारा देने के लिए उसके लिए कुछ बांध देते ना, लकड़ी बकड़ी बांध, जैसे लता जा करके उसको ऊपर में आश्रय ग्रहण करते है ना, पेड़ लगाया कि नहीं किसने, तो धीरे धीरे उसके लिए सहारा लेता है ना लता को, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए लता की जो सहारा, इसलिए कहते हैं लता हम जो भक्ति कर रहे हैं ये ब्रह्मांड को भेजना मतलब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, करने का वजह से इसको जो आश्रय यहाँ पर जगत ब्रह्मांड में कोई चीज है ही नहीं है, ये ब्रह्मांड में ऐसे कोई आश्रय नहीं है, नहीं होना इसको भाव नहीं है ब्रह्मांड में, इसलिए वो लता धीरे धीरे ब्रह्मांड को भी भेद कर जाती है। भेद करके कहाँ पर जाती है, बोले बिरजा, बिरजा नाम सुने हो, जहाँ पर सत्व रज जो तीन गुण से हैं, तीन गुण युक्त है, कहते इसको भक्ति करते करते हमें तीन गुण से पार होनी चाहिए, तीन गुण से सत्व रज निर्गुण बननी चाहिए, सत्व रज और उत्तम में जो तीन चीज को हमें पार करनी चाहिए, पार करके फिर कहाँ जाता है उसको ऊपर में ब्रह्म लोग, बोले ब्रह्म लोग उसको कहते हैं, बोले जहाँ पर ज्ञानी लोग भगवान को जो निराकार मानने वाले, भगवान को जो निराकार मानने वाले उनका धाम ब्रह्म लोक है, कहते ये ब्रह्म लोक जाता है, लेकिन वहां पर तो भगवान को निराकार कहते हैं, लेकिन हम तो राधा कृष्ण के रसमयी भक्ति करने वाले, वो लता को वहां पर भी कोई आश्रय देने वाले नहीं रहता है, इसलिए ये ब्रह्म लोक को भेद करके फिर कहाँ जाता है, फिर उसको ऊपर में ये परम ब्रह्म धाम जो वैकुंठ धाम तक जाती है, लेकिन वैकुंठ धाम में भी इसका कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि हम राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं,
सवेरे सुन रहे थे ना, गोपकुमार कामाख्या देवी से मंत्र प्राप्त किया, लेकिन ये मंत्र जब जप करता है मंत्र का प्रभाव से सब लोग को पार करते करते उसको ले गया, सारे धाम को, सब धाम ले जाते हैं, वैकुंठ ले गया, अयोध्या ले गया, द्वारका ले गया, लेकिन उसको कहीं उसको शांति आनंद नहीं मिला। लेकिन जब उसने कहां पर पहुंचे, जब वृंदावन धाम में पहुंचे, जब कृष्ण दर्शन की ना बस, कृष्ण को जब उन्होंने आलिंगन किया, क्योंकि कृष्ण का सखे रस में भक्ति करता था, जब उनको आलिंगन किया संपूर्ण उनको तभी शांति मिली, संपूर्ण तभी शांति मिली। इसलिए हम लोग जो हमारी जो मंत्र है, ये मंत्र कहाँ तक बोलो वृंदावन तक, लता मतलब क्या भाव, बैठ करके तो यहीं पर साधन भजन हम कर रहे हैं, साधन भजन तो यही कर रहे हैं, कृष्ण का नाम कीर्तन भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जो भाव है ना, वो भाव धीरे धीरे बैठते बैठते भाव जा रहे हैं, ये भाव धीरे धीरे कहाँ पर चली गई, कहते गोलोक वृंदावन में गई, और वहां पर राधा कृष्ण का जो चरण को वो भाव वहीं पर राधा कृष्ण का चरण को उन्हें आश्रय ग्रहण करते हुए तब उस भाव को तब संपूर्ण रूप में भाव में तभी तृप्ति मिलती है। इसलिए जब वहां पर गए फिर क्या होगा, बड़े सुंदर फल निकला, लता गई ना फल, उसके बाद में सुंदर फल, उसमें फूल फिर फल निकलेगा, जब फल निकला इतने मीठा फल है, इतने मीठा फल उसमें इतने स्वाद है, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल रस ही रस, क्या इसमें रस ही रस, बस इतने सुंदर फल फला, बस वो खाते रहो, क्या वो फल को खाते रहो और उसका आनंद लेते रहो, मतलब क्या है, राधा कृष्ण का जो प्रेम रस है, बस वो प्रेम रस को आस्वादन करते रहो, भगवान की प्रेम रस को सेवा को। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवनी मरणी आर नाही मोर, कालिंदीर को ले गली कदम्बेर बना रतन बेदीर ऊपर बसव दुजाना, श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदनी रगांदा चामर ढुलाव कवे हेरी मुख चंद्र, गातिया मालती माला दीव दुहार गले अधरी तुलिया दीव कर्पूर तम। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, कब ऐसे दिन आएगा जो राधा कृष्ण को सुंदर रूप में श्रृंगार करेंगे, सुंदर मालती की माला देंगे, श्री रूप गोस्वामी के अनुगत में, ललिता सखी के अनुगत में, और राधा कृष्ण के चरण की हम सेवा प्राप्त करेंगे। हाँ, यहीं पर बैठ बैठ कर प्रेम रस में, एक दिन संपूर्ण प्रेम रस में हम सराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यह माली से नित्य श्रवण कीर्तन जले, लेकिन वो माली क्या कर रहे, हम हो गए माली, श्रवण कीर्तन रूपी जल क्या कर रहे, पेड़ में दे रहे, मतलब भक्ति भाव से दे रहे, लेकिन बैठे यहीं पर, बैठे हो यहीं पर, लेकिन कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, गोलोक वृंदावन में पहुंच गए, हैं गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। हाँ, एक छोटी सी कथा सुनो, मन देकर सुनो, अब श्रीनिवास आचार्य जी का नाम सुने, सुने कि नहीं, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य जी। एक दिन श्रीनिवास आचार्य अपना शिष्यों को बोले, बोले देखो अगर कभी मेरे शरीर में कोई विकार देखते हो, कोई चीज, मेरे एक शिष्य है रामचंद्र कविराज, उसको बुला लिया करते, अगर कभी मेरे शरीर में कोई इधर उधर, मेरे शरीर को नष्ट नहीं करना, उसको ही बुला कर ले आना, मेरे सही से चला है। एक दिन श्रीनिवास आचार्य जब तीन दिन तक बैठे हुए समाधि में, तीन दिन तक एकदम समाधि में, शरीर में कोई बुदबुद नहीं, तीन दिन तक बैठे हुए समाधि में, भैया गुरु जी को ऐसे कैसे हो गया, और उन्होंने बोले थे रामचंद्र कविराज को बुलाओ, तो गए रामचंद्र कविराज को बुलाए, बोले गुरु जी तीन दिन तक बैठे हुए और एकदम समाधि में बैठे हुए, शरीर में कोई क्रिया नहीं, मर जाएगा तो लुढ़क जाएगा ना, लेकिन वो समाधि में बैठे हुए, तब उन्होंने बुलाए, तब उनको पास में एक आसन में बैठ गए, बोले देखो मैं गुरु जी को ढूंढने जा रहा हूँ, गुरु जी कहाँ गए, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा ना, मेरे शरीर को देखना, अभी वो भी पास में बैठ गए, बैठ करके चले गए, बोले कहाँ गुरु जी के पास, बोले कहाँ गुरु जी, बोले गुरु जी राधा कुंड में
राधा कृष्ण जल विहार कर रहे थे, करते करते जो आप लोग बेसर पहन दिए नाक में, बेसर पहन दी नहीं तुम लोग, है किसका बेसर, बेसर किसके नहीं, इसलिए जो नाक में जो बेसर पहनती है वो बेसर राधा रानी की हीरे की बेसर थी, वो हीरे की बेसर जल में क्रीड़ा करते करते सखियों को साथ में वो बेसर गई, घूम गई घूम गई, तो बोले भैया बेसर कहाँ गया, कि बेसर कहाँ गया, सब बेसर ढूंढ रहे कहाँ, गोलोक वृंदावन में राधा पुण्य ये लीला कर रहे, उसको ढूंढते ढूंढते इनका जो गुरु जी वो भी एक क्या है राधा रानी की एक सहचरी सखी है, वो भी वहां पर जाकर ढूंढ रही है, लेकिन वहां के लिए तो थोड़ी समय, लेकिन ये मरते जगत के लिए बहुत समय है, ये मरते जगत के लिए बहुत समय, अभी ये पहुंच गए कहां पर राधा कुंड में, देखा राधा रानी का बेसर गई घूम गई, सब ढूंढ रहे, ये भी जाकर गुरु जी को साथ में ढूंढने लग गया, ढूंढते ढूंढते मिल गया इनको, जब इनको बेसर मिला बड़े खुश हुए, अपना गुरु जी को दिए, गुरु जी ये बेसर मिला, बोले तेरे को मिला, बोले हाँ, बोले कहाँ, बोले नीचे कमल का नार में लग गए हैं पेड़ के नीचे, तब उन्होंने को गुरु जी रूपमंजरी को दिया, फिर रूपमंजरी ने ललिता सखी को दिया, फिर ललिता सखी ने राधा रानी को नाक में पहना दिया, राधा रानी तो बड़ी खुश हो गई, बोले किसको ये मिला है, बोले एक नई सखी आई है, बोले इसको बुला, उसको बुला, जो बुलाए ना राधा रानी जो तांबूल पान की जो बिड़िया खाती है वो प्रसाद उन्होंने किसको दिया, प्रसाद उन्होंने दिया श्री जिन जिनको मिला श्री श्रीनिवास आचार्य, जब उनको दिया है ना बास वो तांबूल प्रसाद पाते ही इतना आनंद, इतने आनंद में विभोर हो गए, जो इनका जो शरीर था ना हठात दोनों शरीर एकदम खड़े हो गए, हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की पिताई गौर ब्रह्मानंद, ये दोनों जग गए, जब जग गए तो इनसे पूछे बोले भैया ये मिला किसको, ये क्या बात, बोले ऐसे ऐसे राधा रानी के नाक की बेसर हो गई थी और वहाँ ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते हमको मिला और राधा रानी का प्रसाद मिला, देखो ये चीज को समझो, लेकिन वो कहाँ बैठे हुए मरते जगत में, लेकिन इनके भाव कहाँ पहुंच गई, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, कहते भैया यहीं पर तो हम साधन भजन कर रहे हैं, लेकिन जो भाव है ना बढ़ते 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 भाव कहाँ पर पहुंच गई, राधा कृष्ण के चरण में पहुंच गई, गोलोक वृंदावन तक पहुंच गई, इसलिए क्या करो बास पर फल को जिसमें छिलका भी नहीं गुठली नहीं फल को खाओ और आनंद में भगवान की भक्ति करो, तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते देखो फिर एक चीज सावधान, एक चीज का सावधान कर देते हैं, जब तुम साधन भजन करोगे एक चीज को बड़ी सावधान से रखा करना, बोले क्या है, बोले वैष्णव अपराध, महाप्रभु कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाए पता, अगर बीच में अगर गुरु अवज्ञा, अगर वैष्णव अपराध अगर तुम्हारी हो गई ना, तुम्हारी जो भक्ति रूपी जो लता है ना ये सब सूख जाएगी, ये सब सूख जाएगी, भक्ति और बढ़ेगा नहीं, इसलिए महाप्रभु के सावधान हैं, भले ही भक्ति का हो लेकिन किसी साधु की निंदा मत करो, किसी वैष्णव की निंदा चर्चा मत करो, करने से क्या होगा भक्ति रूपी जो लता है ना ये सब के सब सूख जाएगी, भक्ति और ऊपर में बढ़ेगी नहीं, इसलिए क्या करो भक्ति लता को सावधान से वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए, तो वैष्णव अपराध किया है और क्यों नहीं करनी चाहिए, वैष्णव अपराध से क्या होता है, अरे हम उसको कल सुनेंगे, ये वैष्णव अपराध से क्या होता है, ठीक है कल, कल एकादशी है, क्या है कल निर्जला, पांडव निर्जला एकादशी, कहते जितने सारे व्रतों में जो एकादशी व्रत है ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है, ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है, इसलिए कल कोशिश करना ये व्रत को जितने अच्छे तरह से करने के लिए, ठीक है, देखो एकादशी मतलब क्या है, किस कुछ लोगों का धारणा कल एकदम पूरा हम निर्जला करेंगे, कुछ भी नहीं भोजन करेंगे, हैं कोई कोई ना ब्रह्म निर्जला का सबसे बड़ी एकादशी, अगर ये एकादशी को कोई करेगा तो साल भर एकादशी का फल उसको मिल जाए, साल भर एकादशी का फल उसको प्राप्त हो जाए कल का जो एकादशी है, लेकिन कुछ लोगों का जो भावना एकादशी मतलब कल एकदम पूरा निर्जला भोजन भोजन कुछ नहीं करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकादशी का असली तात्पर्य क्या है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उपावृतस्य पापेभ्यो
जस्तु बागुन सह उपवास सौ विज्ञान न उपवास लग्न। एकादशी मतलब होता है ग्यारस, कितना ग्यारस है, इसलिए हमारी ग्यार इंद्रिया है, पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया, इनका राजा मन, इसलिए क्या करनी चाहिए कल ये एकादश इंद्रियों को, जैसे श्री अम्बरीश महाराज ने ये एकादश इंद्रियों को संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगाया, इसलिए क्या करनी चाहिए कल, इसलिए एकादशी का दिन भोजन नहीं करना, मतलब क्या जो रोसोई भसोई करने में दिन भर जो समय चली जाती है उस समय को बचाना, बचकर क्या करना हरि नाम करना, कल ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो है, जितना हो सके, हो सके तो 1,00,000 हरि नाम करने के लिए कोशिश करो, कितना बोलो जोर से 1,00,000 हरि नाम करने के लिए, महाप्रभु कहते ना जो 1,00,000 हरि नाम करता है इसको हाथ का भोजन में करता हूँ, बस इसे करना कल ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो, क्योंकि उधर से ज्यादा समय को बचा करके क्या करो, समय को भगवान की नाम में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ और हरि कीर्तन में लगाओ, ठीक है। बोले श्री पांडव निर्जला एकादशी की, बोले श्री एकादशी व्रत की जय, गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण, ठाकुर जी का आरती करेंगे, ठाकुर जी आरती करना है, सुंदर गोपाल प्रभु भोग अंतर लगाए नहीं लगा दो, अभी टाइम कितना हो गया, 8:30 है, कथा इतने तक होती है ना, क्यों ज्यादा होती है, ठीक है सुन लो 10 मिनट और सुन लो, ये भोग लगा रहे हैं, जल्द जल्दी भोग लगा, तुम भूख लग रहा है, हरे कृष्ण, हाँ सुन लो, हाँ ध्यान देकर सुनो, यहाँ महाप्रभु कहते हैं देखो रूप भक्ति लता तो बढ़ती है लेकिन एक विषय पर सावधान रहो, अब देखना जब हम महाप्रसाद पाते हैं ना, अब कहते हैं साधु सावधान, क्या कहते हैं साधु सावधान, फिर कहीं कर अवधान, पुनः पुनः कह रहे हैं अवधान, मतलब सावधान होकर के सुनो, बोले क्या है, है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुण्यंग बतांग राजन विश्वास नहीं हो जाए, मतलब क्या है कि जिनके पुण्य कम है ना वो कम पुण्यवान व्यक्ति को चार चीज में विश्वास नहीं होता है, बोले क्या है, बोले महाप्रसाद, जो भगवान का जो प्रसाद है, जो भगवान की जो भोग लग जाती है ना वो फिर दाल भात चावल रोटी नहीं होता है, क्या होता है भगवान प्रसाद ग्रहण करने का साथ साथ उसका प्रसाद नाम कहते हैं, इसलिए प्रसाद क्या है, बोले प्रसाद भगवत स्वरूप है, भगवान और भगवान की प्रसाद में कोई फर्क नहीं, इसलिए हम प्रसाद मतलब आशीर्वाद है, इसलिए जगन्नाथपुरी में प्रसाद को तो कैवल्य कहते हैं, बोले मुक्ति मतलब जो प्रसाद पाने से संसार से जीव भव सागर से पार हो जाएगा, प्रसाद की इतने महिमा शास्त्र बताए, इतने प्रसाद की महिमा शास्त्र बताए जो सोच भी नहीं सकते हो, नारद जी स्वयं कहते हैं कि इतने जल्दी से जल्दी मेरे को भक्ति मिली कैसे, केवल प्रसाद पहले भगवान खाते व्रत लेते थे, उसको बाद में भक्त लोग लेते थे, वैष्णव लोग लेते थे, केवल उनकी प्रसाद की सेवा करते हुए उचिष्ट लेपान अनुग्रहित दीजिए, केवल भगवान की प्रसाद संतों की प्रसाद को पा करके मैं इतने जल्दी से जल्दी भक्ति जगत में बढ़ा, कौन कह रहे नारद जी बात को कह रहे हैं, इसलिए किसी तरह से अगर भगवत प्रसाद है हमें अगर मिल जाएगा, हम कहते ना प्रसाद सेवा करते हाय सकल प्रपंच जाया शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती करमोला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला ठाकुर कहते ना प्रसाद सेवा करता है सकल प्रपंच भगवान की प्रसाद सेवा करने से हमारे जितने जो माया है ये प्रपंच से हम माया से ऊपर चले जाएंगे भगवान की
प्रसाद सेवा करने से है, और इतने जल्दी और कोई उपाय नहीं इतना जल्दी जल्दी भगवत प्राप्ति करने का। इसलिए जैसे रोज रोज ठाकुर को भोग लगाते प्रसाद बोलता है, उसको प्रसाद सेवा करने से क्या होगा, ये माया को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन ये प्रसाद सेवा से जल्दी संसार से हम पार हो जाएंगे, प्रसाद सेवा से जल्दी जल्दी पार हो जाएंगे। इसलिए कहते महाप्रसादे है, महाप्रसादे गोविंदे, गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, गोविंदे महाप्रसाद नाम ब्रह्मणे, मतलब भगवान के जो नाम है, और जो चौथा चीज जो वैष्णव गुरुदेव और वैष्णव, कर जिनके अंदर में कम पुण्य है ना, कर ये वस्तु में उनको विश्वास नहीं होता, इनको इसमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन जिसको बहुत पुण्य है बहुत सुकृति है वही व्यक्ति को ये वस्तु का प्रति विश्वास होता है, है? वही को कई विश्वास होता है। इसलिए जो इसमें एक नाम आया वैष्णव, उसका नाम आया वैष्णव, जो वैष्णव है वैष्णव की इतने महिमा भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते, बोले उद्धव है, बोले न तथा में प्रियतम आत्म ज्योतिर न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवान, भगवान वैष्णव की महिमा भगवान खुद कहते हैं, कहते हैं उद्धव मेरे को वैष्णव इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, कहते हैं जितना वैष्णव मेरे प्रिय है ना, भक्त प्रिय है, भगवान कहते मेरे बेटा भी इतना प्रिय नहीं, कौन नारद, मेरे नाभि कमल से नारद जी सृष्टि हुए, नारद भी इतना प्रिय नहीं, बोले नारद की बात ही छोड़ दो, जो हरि हर एकात्मा जो शिव ठाकुर भोले बाबा, भोले बाबा की बात इतना प्रिय नहीं, बोले भोले बाबा की बात छोड़ दो, जो लक्ष्मी मेरी जो पत्नी, लेकिन घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो हम किसको लेकर अलग हो जाते हैं, अपना बीवी को लेकर अलग हो जाते हैं, है ना, कहते मेरी जो पत्नी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी की बात छोड़ दो, कहते मेरे अभिन्न स्वरूप जो बलदेव प्रभु वो भी इतना प्रिय नहीं, बोले बलदेव की बात छोड़ दो, कृष्ण कहते हैं मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं जितने प्रिय मेरे भक्त है, जितना प्रिय मेरे भक्त जितने प्रिय, इसलिए भगवान भक्तों को इतना प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं अगर मेरे हाथ है ना, अगर ये मेरे हाथ कभी अगर मेरे भक्तों का विरोध में जाएगा मैं अपना हाथ को भी काट दूंगा, भगवान कहते हैं अगर मेरा हाथ कभी मेरे संतों के विरोध में जाएगा ना मैं अपना हाथ को भी छोड़ जाने हाथ को काट दूंगा, बोले मेरे संतों का विरोध में तुम गया कैसे, जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो संतों ने अपना पुत्र परिवार सारा दुनिया को ठोकर मार देते, क्यों मेरे को प्रेम करते हैं, सबको छोड़ करके वो मेरे को प्रेम करते हैं, बताओ ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, दुनिया को छोड़ सकता लेकिन अपना भक्तों को मैं कभी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए जो वैष्णव है इसलिए कहते इनके चरण में अपराध करने से है भगवान भी ये चीज को ठाकुर भी सहन नहीं करते हैं। इसका उदाहरण है आप लोग चैत महाप्रभु की कथा में है, महाप्रभु का महाप्रभु दो भाई थे, महाप्रभु दो भाई थे ना, कौन कौन थे बोलो, कौन कौन थे महाप्रभु दो भाई, विश्वरूप और एक कौन निमाई, विश्वरूप उनका बड़े भाई, महाप्रभु तो छोटे निमाई, दो भाई, लेकिन ये विश्वरूप ये रोज अद्वैत आचार्य की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। अभी अद्वैत आचार्य कौन, सदाशिव, स्वयं सदाशिव शंकर जी है, सदाशिव महाविष्णु है, अगर वो अगर कथा सुनाए, इतने अच्छी अच्छी कथा सुनाया करते थे, ये जीवन किया है भगवान ने हमें, ये मानव शरीर क्यों दिया, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, हैं? इसलिए जीवन का क्या लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जीवन का लक्ष्य है कैसे इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति हो, जीवन का एक लक्ष्य है जीवन में, क्योंकि और किसी जीवन में भगवान प्राप्ति नहीं होता है, इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, हैं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, संसार में जब आए मातृ गर्भ से बड़े जो दुख कष्ट उठाया, भगवान को पुकारे प्रभु ये नरक से हमें निकालो, भगवान बोले बताओ क्या करोगे, जन्म लेकर क्या करोगे, बोले प्रभु मैं समझ गया संसार में कोई किसी का नहीं, एक बार जन्म दे दो दिन रात तेरा भजन करूंगा, तेरे भक्ति करूंगा, हम यही कसम खा करके आए भगवान से, लेकिन इधर आकर के उल्टा काम में लग गए, जो काम के लिए आए थे ना उसको तो पीछे रख दिया, और जो काम करने नहीं आए उसको पीछे लग गए, हैं? इसलिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास,
भक्ति के लिए आए और दूसरे काम में लग पड़े। इसलिए जब अद्वैत आचार्य से कथा सुनते हैं, संसार नश्वर है, एक दिन खत्म होने वाले, संसार छोड़ना पड़ेगा, अनित्य संसार है, जीवन केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए, ये कथा सुन सुन करके ना बस मैंने प्रतिज्ञा कर दिया, ये घर गृहस्थ नहीं करना, हमें सन्यासी बनना, हमें सन्यासी बनना है, प्रभु की भक्ति में ये जीवन को लगाएगी है, ये मुक्ति के मार्गों को प्रशस्त करेगी। लेकिन उन्होंने सन्यास ले लिया। जब सन्यास ले लिया, आप एक बच्चे को लिखाओ पढ़ाओ बड़ा बना दो, अगर वो बच्चा अगर सन्यास हो जाए दुखी होते नहीं, दुखी हो जाते ना, अरे बेटा बेटा सन्यासी बन गया, हमें बुढ़ापा में लकोटी बनता है, बुढ़ापा में सीता माता का आश्रय में बच्चा होता है ना, अगर कोई बच्चा दुखी हो जाओगे नहीं, बड़ी दुखी हो गई सच्ची मैया दुखी होकर के। उन्होंने इतनी शब्द बोली थी, केवल अद्वैत करे द्वैत करी नहीं, कौन बोलता है ये अद्वैत आचार्य, ये अद्वैत नहीं ये द्वैत है, अद्वैत मतलब सबको जो एक करके रखे, द्वैत मतलब दो कर दे। ये तो हमारे बच्चे को कहा इसलिए लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, बुढ़ापा में ये हमारे लखोटी बनेगा, मदद करेगा, घर में बहू आएगी और बहू आकर घर की सारे सेवा को ये बहू करेगी, और ऐसे मंत्र पढ़ाया जो बेटा हमारी सन्यासी हो गई है, सन्यासी हो गया, इसलिए वो दुखी होकर के बोल दिया ये द्वैत, ये तो हमारे घर को तोड़ दिया, घर को उसने तोड़ दिया। बस महाप्रभु जो प्रेम को दे रहे थे, महाप्रभु विष्णु की खटिया के ऊपर बैठे हुए, एक एक भक्त को बुला करके सबको प्रेम दे रहे, भक्ति दे रहे महाप्रभु। लेकिन महाप्रभु अपना माँ को नहीं बुलाए। इतने में श्रीवास पंडित बोले, प्रभु आप तो दुनिया को बुला रहे, सबको तो प्रेम दे रहे, अपना माँ को तो प्रेम दो। महाप्रभु बोले, मैया ने वैष्णव अपराध क्या किए, वैष्णव अपराध किया, इसलिए मैं इसको प्रेम नहीं दूंगा, सबको प्रेम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के चरण में जो अपराध करता है ना, उसको मैं प्रेम दे नहीं सकता। जब सच्ची माँ ने ये बात वो सुनी, इतने दुखी हो गई, इतने दुखी, बोले अगर ये जीवन में प्रेम ही नहीं मिला, फिर जीवन पाने का क्या लाभ है, जीवन पाने का क्या लाभ है, अगर प्रेम ही नहीं मिला, बोले किसकी चरण में, अद्वैत आचार्य जी के चरण में। देखो सच्ची माँ कौन है, मैया जसोदा भगवान की माँ है, फिर वो कहाँ जाती है, अद्वैत आचार्य जी के पास में गए, अद्वैत आचार्य जी के पास में जाकर के उन्होंने बोले, बेटा मेरे अपराध को माफ कर दो, तेरी चरण में अपराध हो गया। इतना सुनते ही अद्वैत आचार्य जी बोले, मेरे चरण में तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी बेटा हूँ, बेटा है, बेटा का चरण में कभी माँ के अपराध होता है, कभी माँ के चरण में बेटा का अपराध हो गया था, समझ रहे हो, माँ की कभी बेटे के चरण में अपराध नहीं, क्यों, माँ तो ममता स्वरूप है, कभी तो अपराध हो ही नहीं सकती, बल्कि बेटा कभी कभी पिता माता की बात नहीं सुनता है, उनका सेवा नहीं करने का, तो बेटा का अपराध माँ के चरण में होता है, माँ के अपराध कभी बेटे के चरण में नहीं हो सकती है, कभी हो ही नहीं सकती है। इतना सुन करके तो अद्वैत आचार्य जो सदा से बेना महाविष्णु है, वो तो एकदम प्रेम में बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, इतने में जो सच्ची माँ ने किया कि बेहोश हो गई, सच्ची माँ ने जाकर के चरण धो लिया, किसकी, अपना बेटे की, बेटे की चरण धुल लिया। जब चरण धुल लिए तब उनके अपराध माफ हुआ, फिर महाप्रभु उनको प्रेम प्रदान किया। यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा क्या दिया है, महाप्रभु शिक्षा देते हैं, हम जितने बड़े व्यक्ति होने पर भी, जितने बड़े होने पर भी, अगर किसी संतों के चरण में अपराध अगर हो जाए, क्या करो, जाकर के माफी मांग लो, माफी मांग लो। ये नहीं सोचना आप बहुत बड़े हैं, हम छोटे व्यक्ति के पास में क्यों जाएंगे, वो कौन होता है, ऐसे नहीं, जितने बड़े होने पर भी, वो तो सच्ची माँ से कोई बड़े हो सकता, दुनिया की माँ है, वो दुनिया की माँ है, सच्ची माँ भगवान की माँ, मतलब वो जसोदा माँ है, मैया जसोदा है, हैं? लेकिन होने पर भी उन्होंने जाकर के माफी मांगे, फिर तभी महाप्रभु को प्रेम तभी प्रदान किया, नहीं तो प्रधानमंत्री प्रेम नहीं दिया है, हैं? दूसरे कथा की है चैतन्य भागवत में, ये श्रीवास पंडित, ये लोग चार भाई थे, कितने भाई थे बोलो, चार भाई थे, उनकी चार पत्नियां बच्चे, ये क्या करते थे, कोई काम धाम नहीं करते थे, सारा दिन घर में मजरा ले गए थे ना, चार भाई चार बहू जितने बच्चे थे, सबके सब ढोल की मृदंग लेकर के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare अवतार भाई बैठ करके दिन रात हरिनाम करते हैं। उसी समय एक ब्राह्मण था गोपाल चापल गोपाल चक्रवर्ती और ये चार भाई भजन करते हैं। अब भजन करने पर पता था ना क्लेशग्नि सुभद्रा रूप गोस्वामी कहते पहले दो पता निकलता है, एक क्लेशग्नि सुभद्रा, क्लेशग्नि मतलब होता है सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है, सुभद्रा मतलब होता है जो भक्ति करो सही सही सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार बनने जाएगी, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करना शुरू कर देगा। बता मीरा ने क्या की जो सारा दुनिया उसको स्मरण करती है, हनुमान जी ने क्या किया था सारा दुनिया उसको पूजा करता है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इसे प्रभुपाद ने क्या किया सारा दुनिया जिनकी चरण केवल प्रभु का भजन किया, इसलिए भक्ति करने सारा दुनिया तुम्हारी जय जयकार करते है, सारा दुनिया में इनकी प्रशंसा सारा दुनिया में जय जयकार। ये जो ब्राह्मण था बड़े ईर्ष्या हो गया, बोले चक्रवर्ती बंगाल में चक्रवर्ती बड़े ब्राह्मण चक्रवर्ती पूरा अधिकार, मैं इतना ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल पंडित है दुनिया मेरे को पूछता नहीं और इनको सारा दुनिया जीजीकार बड़ी होती है, बोले इनको सबको सामने इसको बदनामी करा दूंगा, इसको बदनामी करा दूंगा। बोले बदनामी कैसे कराए, तो उन्होंने सोचा रात में शराब लाया और एक फूल होता है जवा फूल जिसमें माता देवी की पूजा होती है और कुछ हाथी लाया है और जो पंच मकार होता है जो देवादी देवियों को जो पूजा करती है वो सब चीज को ला करके ना रात में उसको घर को सामने रख लिया, शराब भरवा बोतल रख लिया, जो देवी भी पूजा होती है पांच मकार उसको रख लिया और सवेरे होते ही ना सारा दुनिया को बुलाया, बोले देखो तुम लोग सोचते हो ये चार भाई भजन करते है रात में हरिनाम करते है, हरी नाम कुछ नहीं ये ढोंग रचाते हैं, देखो ये सब क्या रखा हुआ शराब मांस हड्डी और जवा फूल, ये ना रात को क्या करते ना पंचमकार पूजा करके स्वर्ग से ये अप्सरियों को बुलाकर भोग करते हैं और तुम लोग सोचते हो हरी नाम करते हैं, ये ढोंगी है सबके सब भजन भजन फिर नहीं करते पूरा उनके गांव में बदनाम करा दिया, लेकिन वो संत है सब साधन करना जानते, बोले ठाकुर जानते सब कुछ, ठाकुर जानते भगवान तो सबको सहन करते लेकिन अपना भक्तों का बदनामी सहन नहीं कर सकते, उसको ऐसे कूड़ हो गया कुष्ठ व्याधि, कूड़ समझते है ना लेपर्सी हो गया उसको, पूरा कूड़ हो गया उसको, सारा शरीर में नाक गल करके गिरने लग गया, गले में हो गया उसका कूड़ गलने लग गया, इतने कष्ट उठाया उसने महाप्रभु का चरण में गिरे, बोले प्रभु मेरे अपराध को दूर कर दो, मेरे अपराध दूर करो, ये बड़ा कष्ट उठा रहा। भगवान बोले देखो कांटा अगर प्यार में चुभ जाए ना वो सर में नहीं निकलेगा, वो प्यार में निकलेगा, कांटा जहाँ चुभेगा कांटा तो उधर से निकलेगा ना, प्यार में चुभ कर थोड़ी सर में निकलेगा, लेकिन तुमने अपराध किसकी चरण में किए है, बोले श्रीवास पंडित के चरण में अपराध किया, मुझे उनके चरण में माफी मांगो, अरे आए उनके चरण में माफी मांगे गिड़गिड़ाए, भक्त लोग तो किसका अपराध लेते ही नहीं है, किसके अपराध लेते ही नहीं, वो ठाकुर को जानते हैं, लेकिन जब उनके चरण में माफी मांगे भक्त बड़े दयालु है फिर अपराध को माफ कर दिया, फिर सही हुआ। यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर किसी वैष्णव चरण में अगर अपराध हो जाए ना बड़ा खतरा है, बड़ी खतरा, इसलिए कभी भी यहाँ पर महाप्रभु वही कह रहे हैं अगर वैष्णव अपराध रूपी ये मतवाला हाथी, जैसे किसी हाथी किसी बाग में घुस जाए बड़ा बड़ा प्यार है ना क्या करेगा, सारे पेड़ पौधा को सारे हाँ लता पता को तसनस कर देगा और सूड़ में पकड़ करेगा ना जड़ समेत उखाड़ देती है, जड़ समेत उखाड़ देती है, जैसे कोई पेड़ हो ऊपर से काट दो फिर तो लता हो सकती है दो बार उगेगा
लेकिन अगर किसी पेड़ को पकड़ करके तुम्हें जड़ से ही उखाड़ लिया अरे गया तो सारे। यहाँ पर कहते हैं जब वैष्णव अपराध हो जाता है गुरु अवज्ञा हो जाती है, वैष्णव अपराध हो जाए क्या होगा, हमारी जो हृदय है ना और भजन में मन नहीं लगता, हरिनाम करने में अच्छी नहीं लगेगी, कोई भक्ति करने की अच्छा नहीं लगेगी, उसमें टेस्ट नहीं आएगा है, क्योंकि हृदय से भक्ति की भावना खत्म हो गई है, भक्ति की क्यों संत चरण में अपराध किया। इसलिए महाप्रभु कहते साधु सावधान है, कहते अपराध हाथी यदि है उद्गम, अगर अपराध रूपी हाथी अगर गए तो क्या होगा, अरे सारे लता पता उखाड़ फुकाड़ करके तसनस कर देगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, कभी वैष्णव अपराध नहीं करते हुए क्या करो, कहरे ना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सहितारी विले, भगवान को जितना बड़ा कठिन कौन जीत सकता है, कि सूत्र दिया जो किसका कभी बुराई नहीं करता है, कभी किसकी बुराई नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक जीव का हृदय में भगवान का निवास है कि नहीं, सबके दिल में ठाकुर बैठे हुए, जब ठाकुर ही सबका हृदय में बैठे हुए किसका तुम बुराई करोगे। इसलिए कहरे ना कर निंदा, वो किसी की निंदा चर्चा नहीं करते, क्या करता है दिन रात भगवान के नाम जप करते हैं, हरि नाम करते हैं, महाप्रभु को उद्धार कर देते, ठीक है। निताय गौर प्रेमानंद, कल फिर आगे सुनेंगे फिर क्या होता है, ठीक है। हाँ बोले सचिनंद ने गौर आरती आरती कल हमारे घर पर एक कल हमारे घर पर बोला कल हमारे घर पर हरी कथा है, कितने बजे, साढ़े दस बजे, हाफ पास्ट टेन कैपिटल पास्ट स्ट्रीट आइट मार्क लाइन। हाँ तो कल एक निर्जल एकादशी में क्या प्रसाद बनाएंगे, क्या प्रसाद बनाएंगे, एकादशी प्रसाद है, जी जी ठीक है। इनको पूछ लो कौन निर्जला करेगा और कौन सजला करेगा।